नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है वायरल वीडियो, पाकिस्तानी पार्लियामेंट प्रेजिंग इंडिया। ओके, तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक बार फिर से भारत की तारीफ करनी पड़ी है, ये कहते हुए कि जी दुश्मन देश है फिर भी उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। तो पहले मैं आपको पाकिस्तानी पार्लियामेंट का वो वीडियो दिखा देता हूं, फिर आपको ये पूरी बात ज्यादा समझ में आएगी। देखिए, I don't want to quote the example of our enemy country. Abhi elections hue hain wahan pe 800 million se zyada logon ne vote kiya hai. Kitne hazaron polling stations the, lakhon polling stations the. Ek jagah pe ek banda rehta tha, uske liye bhi polling station banaya unhone. Ek mahine ka dauraniya tha us pure election ka. EVM ke zariye banaya, conduct kiya. Ek awaaz uthi hai कि इलेक्शन रिग्ड था, इंतकाल इक्तदार कैसे हुआ। जनाबे चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि यह मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी के अकाउंट की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पोलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? इसलिए कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान नून भी शामिल है, एमक्यूएम। देखा आपने, तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो भारत की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराए जाते, देखिए वहां पर कैसे इलेक्शन हो गए, सरकार भी बन गई, कोई हल्ला हंगामा, ये वो तोड़ फोड़, जीत हार कुछ नहीं। यानी कि जनता की पावर है और ये ट्रू डेमोक्रेसी है। अब इस पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। सिस्टम्स की बात करें दुनिया में जिनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है, नो डाउट। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है, जिस उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पोलिटिकल पार्टीज खुद है। हर पोलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हलकों से हाथ मिला के किरदार हासिल कर दे। उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते फिर वो दांधली का रोना धोते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न, कोई प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया, ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर मतलब नहीं है, वेस्ट इंडिया पे। लेकिन सर आज नहीं है ना, हम आज बने हैं ना इकोनॉमी में बेहतर। पहले तो हमारे साथ प्रॉब्लम थी, ज्यादा नहीं, 90s में 90-91 में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, या उसके पहले भी तो थी, लेकिन हम तब भी नहीं झुके। ये कहना किसी भी हद से लॉजिकली सही नहीं है कि दुनिया की इकोनॉमिक पावर बन गया है भारत इसलिए उस पर कंट्रोल नहीं चला। अरे भाई, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले 50 साल पहले 76 साल पहले तब भी तो प्रेशराइज किया गया हमें, तब भी हम नहीं झुके ना यार। ये आज की बात नहीं, ये तब से चला आ रहा है। आजाद होते ही हमने अपने इलेक्शंस कराए बहुत जल्दी, हमने अपना संविधान बनाया बहुत जल्दी। क्या बात करते हैं सर आप, आप देखिए ना, आपने कब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? ये फर्क है क्योंकि हमारी लीडरशिप उस वक्त भी बहुत डेडिकेटेड थी भारत के लिए, उस वक्त भी भारत की बात होती थी। कई नीतियों से मैं खुश नहीं हूं पुरानी गवर्नमेंट के, कई नीतियों से मौजूदा गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट्स ने भारत के लिए किया नहीं। 1947 से और अब तक गवर्नमेंट्स ने कुछ ना कुछ किया ही है भारत के लिए, और आज उसका नतीजा है कि आज हम जहां पर हैं। जब अगर आधार मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, उसकी इमारत मजबूत नहीं हो सकती। हमने बेस मजबूत डाली है, डेमोक्रेसी की बेस मजबूत डाली है।
और उस बेस पर जो इमारत खड़ी है भारत की, आज बुलंदियों को छू रही है। इसलिए क्योंकि बेस मजबूत है हमारा, बेस हिला नहीं है हमारा, आपका तो कभी बेस रहा ही नहीं। इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं, हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते अक्सर इकोनॉमिकली। हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है उसमें सऊदी अरब का असर रसूख होता है, यूके का होता है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ये तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारे उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। तो इस वजह से जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो हमेशा अगर उसने इक्तदार लाना है तो उसने उसको पावर्स को जो डायनेमिक से यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न कंट्रीज, उनको अपने एतमाद में लाना है। उनके सपोर्ट के बगैर आप अपने इक्तदार को नहीं हासिल कर सकते। आप अपने तौर पर इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं कि दुश्मन उनकी तारीफ करते हैं? उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उस टू बी होनेस्ट है मुल्क के साथ। उसने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने मुल्क के अंदर जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ है कि आज मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है और किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसने धांधली किया हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है, लेकिन यहाँ पर रियासती इदारों का भी कसूर है क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट को चली नहीं जा रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे यहाँ पर फेडरेशन कमज़ोर है। सूबे के दरमियान उसने सियासी वाबस्तगी नहीं, सियासी मुफाहमत नहीं होता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनका कसूरवार रह रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने इक्तदार के लिए बिल्कुल सही बात है सर। जैसे आपने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, तीसरी दफ़ा ओथ ले लिया और ओथ लेते ही सर G7 पे वो चले गए हैं मीटिंग पे। ग्लोबली बड़ी हाईलाइट होती है G7, इटली के अंदर वो अब मजीद जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म साहब ओथ लेते हैं तो वो उधर सऊदी अरब चले जाते हैं, UAE चले जाते हैं, मतलब लोन का साथ ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जबकि मोदी साहब आज उन्होंने ओथ लिया और अगला सफ़र G7 का शुरू हो चुका है कि मैं इंडिया के लिए बड़े बड़े एग्रीमेंट्स लेके आऊँगा। तो सर उनके और हमारे मेयार में कहाँ कमी नज़र आ रही है? मेयार में तो काफ़ी फ़र्क है। जब हम 47 के बाद आज़ाद हुए तो हमें मुल्क चलाना नहीं सिखाया, हमें भीख मांगना सिखाया गया। 47 ही ऑनवर्ड आज तक हमने जितने भी हमने मुल्क के ऊपर काम नहीं किया हुआ। इंडिया सन 1993 के बाद IMF के पास नहीं गया। इंडिया उन कंट्रीज़ में है जो IMF को लोन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम IMF से ले रहे हैं। इस वजह से जब यहाँ पर जो भी हुकूमत आता है उसका मेन प्रायोरिटी होता है कि हमने IMF के साथ डील करना, और जो डील कामयाब होता है यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बाहर के मुल्क इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अभी आपके जो सऊदी अरबिया है उसका सबसे इस वक्त जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया का मार्केट उस लेवल पर है कि वो वहाँ पर जाकर आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से वो कैश भी कर सकता है। हम अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ जहाँ तक मुझे याद है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा शायद रशिया है, सॉरी रशिया कह रहा हूँ अमेरिका है, फिर चाइना है आई थिंक, अगर मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों मिलाकर मैं देखूँ तो, और उसके बाद शायद सऊदी अरब या UAE कुछ ऐसा है शायद, या रशिया भी हो सकता है, लेकिन ऊपर तो शायद USA है। USA से हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, उसके बाद शायद चाइना है दूसरे नंबर। कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है, इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी और पॉलिटिकली तौर पर तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और इस वजह से जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या तो पनामा लीक्स में उनके नाम आते हैं या जो अभी रिसेंटली दुबई लीक्स आया। सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा कि पनामा लीक्स में आपके नाम आए हैं, ये पैसा कहाँ से आया और बाहर कैसे गया, ना कोई सवाल नहीं। इलेक्शन है, EVM एक अच्छा सिस्टम है जिसमें जिसके ऊपर रिसेंटली पिछले इमरान खान के दौर में भी बात चल रही थी, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट की ना होने की वजह से पास नहीं हुआ वो बिल पास ना हो सका, उसे वो मंजूरी ना दे सकी। लेकिन EVM देखें एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जमानत देता है। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट इतना कि आपको श्योरिटी इतनी होती है कि आपका इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ। हमारे कंट्री में भी ऐसा बिल पास किया। सर जी आप क्या पाते ना, ये हमारे यहाँ 100% है, 100% EVM इतना सिक्योर है, इतना सेफ है और 100% गारंटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की।
किया गया, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों का इंटरेस्ट ना होने की वजह से, उनके अपने बेनिफिट्स ना होने की वजह से उन्होंने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिल पास ना हो सका। लेकिन सर वैसे मान ली कितनी शर्म वाली बात है ना कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी है और हमारा आज भी इलेक्शन सिस्टम हम अंगूठा लगा रहे हैं, कितनी अच्छा ये सिस्टम मुझे नहीं लगता अभी किसी कंट्री में है कि बैलेट पेपर पे मोहरें लग रही हैं, अंगूठे लग रहे हैं, साइन हो रहा है, आईडी कार्ड कब अपडेट होंगे, जैसे मोबाइल के ऐप्स अपडेट होते हैं, हर चीज़ अपडेट हो रही है, कंप्यूटर के विंडो अपडेट हो रही है, लेकिन हमारा इलेक्शन सिस्टम टस से मस नहीं हो रहा। ये देखिए यही मैं उनसे भी बात करूंगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है पूरी वर्ल्ड में, जैसे आपने AI की मिसाल दी है, हाँ। तो बेसिकली ये आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके आप एक पॉजिटिव यूसेज से आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो रिजल्ट्स है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ। अभी यहाँ पे यही चल रहा है, आपका टाइम इतना कंज्यूम हो रहा है उस इलेक्शन के ऊपर, कितने वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, पेपर कितना जाया हो रहा है, कितना जाया हो रहा है, तो वो सारी उन चीज़ों से बेहतर है कि आप एक EVM की तरफ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ। तो ये एज कम्पेयर एक दफा खर्चा होगा और बार बार यूज होगा, बिल्कुल। इस पे आप सारी पार्टीज को इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप जब आप आगे जितने बढ़ेंगे तो आपका दौर जो आ रहा है वो टेक्नोलॉजी का आ रहा है। सर आप क्या समझते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान उसको दुश्मन भी मान रहा है और फिर दुश्मन की बड़ी महफिल में तारीफ भी कर रहे हैं? ये देखें बिल्कुल उनकी एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब से देखा जाए तो बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हमारे जो मैंने पहले भी बात की है कि सिस्टम हमारा हमें एक इस चीज़ के ऊपर वो करने नहीं दे रहा। अभी कल अभी जो बिल पास अभी हमारा बजट पास हुआ है उसमें एजुकेशन की एलोकेशन ऑफ मनी देख लें, अ लिटल अमाउंट ऑफ मनी थे, ऐसी मनी सिर्फ हम रब्बी जितने इल्मा पे ही वो कर रहे हैं कम, ठीक है अल्लाह मेरे इल्मा में, वो भी अल्लाह से ही दुआ, वो भी अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं। जितना हमें एलोकेशन फंड हुआ है एजुकेशन को बिल्कुल एक निगलिजिबल अमाउंट में था। ये हाँ, देखें बिल्कुल, बिल्कुल, जितना हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे बेसिक लेवल से हमें हम ऊपर उठेंगे, हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। इंडिया को देख लें टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे हमसे बढ़ चुका है, हमारे पास क्या सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम हमें ग्रो नहीं करने दे रहा, हमारे यूथ भी भर भर के इधर है। देखिए टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में या कहीं और तारीफ पहली बार तो ही नहीं। इमरान खान जब बाहर थे और रैलियां कर रहे थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे चुनाव से पहले, तब वो अक्सर अपनी रैलियों में भारत की विदेश नीति की तारीफें करते थे, हमारे देश के विदेश मंत्री के क्लिप्स चलाया करते थे, बताते थे कि देखो भारत कैसा है और ये है वो है। इनफैक्ट अभी सबसे ताज़ा जो था जब ये आपका ये छोटा सा फुंतरू चाइना ने भेज दिया था, चाइना के फंडिंग से, चाइना के मशीनरी से, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स से, सब कुछ चाइना से हुआ था, वो चंद्र मून मिशन जो आप सो कॉल्ड आपका मून मिशन था, तो उसके बाद भी पार्लियामेंट में तारीफें हुई हैं हमारी, वो क्लिप मैं सुना देता हूँ, सुनिए। आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं, एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके दो सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं, ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि उन्होंने स्पीच की है वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा, और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज पूरे सर सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो घोस्ट स्कूल है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे, पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि भारत कहाँ पहुंच चुका है, और भारत की बराबरी तो छोड़िए अब भारत के साथ रेस में भी नहीं है, रेस में भी नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अभी तक तो आपने टाटा के बारे में जाना था कि टाटा की जो ओवरऑल जो एसेट्स हैं वो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की GDP के को भी पार कर गए। LIC के पास पाकिस्तान से की GDP से डबल पैसा है, पाकिस्तान की जितनी GDP है उससे डबल पैसा LIC के पास है हमारी, और अभी तो अभी कई चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आती हैं आपके,
आप सोचो, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लिया ना आपने, डबल पैसा एलआईसी के पास है पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में। मतलब हमारी एक एलआईसी आपके पाकिस्तान को दो बार खरीद सकती है। के हर काम में हमसे आगे है, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम है, अदल है, ठीक है, वो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। अब उन्होंने इलेक्शन करवाया, 80 मिलियन लोगों ने वोट दिए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में करप्शन हुई है, क्योंकि उनका एक निज़ाम है। अब वो उनके जो ईवीएम के थ्रू करवाया, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर किसी एरिया में एक वोटर है तो उन्होंने उस एक वोटर का वोट लेने के लिए वहां पे जो है सारा ईवी, हाँ, पोलिंग स्टेशन वहां पे, मतलब वहां पे उन्होंने आवाम को तरजीह दी है। और यही नहीं, उस एक वोटर तक पहुंचने के लिए अगर 40 किलोमीटर तक पहाड़ चलना है, चढ़ना है, ट्रैकिंग करनी है, 5 नदियों को पार करना है, तब भी हमारे चुनाव आयोग के लोग गए हैं और उस एक वोटर के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वोट उन्होंने रजिस्टर कराया है। यह है हमारे यहां चुनावी प्रक्रिया। खतरनाक से खतरनाक इलाकों तक पहुंचे हैं हमारे चुनाव आयोग के लोग वोट कराने, क्योंकि एक एक वोट कीमती है और हम अपने नागरिकों का सम्मान करते हैं, उनके वोट का सम्मान करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। आपसे तो 25 करोड़ का मुल्क नहीं समझला, हम 140 करोड़ का संभाल रहे हैं। आपके जैसे 3 मुल्क हमारे अंदर करीब करीब, अरे 6 मुल्क, 140 है ना, आप 25, वहां तो करीब करीब 6 मुल्क उनकी, यानी के सिलेक्शन का उन्होंने यानी के भरपूर मान रखा है। किसी इलाके में एक वोट देने वाला है वहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन कायम किया, किसी इलाके में 1000 वोट देने वाला है वहाँ भी पोलिंग स्टेशन कायम किया। एक माह तक चलता रहा, और एक माह पूरा ये निज़ाम चला है, और उसके बाद फिर सिलेक्शन हुई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखा गया किसके वोट ज्यादा है, किसका इकतदार ज्यादा है, उसको फिर वहाँ पे हुकूमत में लेके आए हैं, वोट कलेक्ट करके लेके आए। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने एक मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, कि आज जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं, मानते हैं कि दुश्मन मुल्क है लेकिन तारीफ़ के काबिल है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी यही बात की है कि तरक्की के लिहाज से देखा जाए और मुआशी निज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे कई दर्जे आगे है। अब देखें वहाँ पे नई नई कंपनियाँ, नए नए आईटी के प्लानर्स, और देखें अब टेस्ला एक मशहूर कंपनी है जी, जी। अभी पाकिस्तान में उसकी कोई चंद एक ही गाड़ियाँ जिन्होंने ली हुई लोगों ने, वहाँ पर उनका वो पूरा एक सेटअप बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों ने टेस्ला ले लिया, क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी ने टेस्ला लिया है, भारत में किसी ने लिया टेस्ला, मुझे तो याद नहीं आ रहा, कमाल है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है मशहूर मुकेश अंबानी, उनके बेटे की शादी हुई है, मशहूर जो बिजनेसमैन टाइकोन वहाँ पे आए हैं, उन्होंने विजिट किया है, ये उनका एक विजिट उनके लिए बड़ा कारआमद साबित होगा, उनके लिए बिजनेस में, उनके लिए उनकी यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की के उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हमें हमारे सियासतदानों को चाहिए कि ये सियासी झगड़े छोड़कर मुल्क की तरफ, तरक्की की तरफ गामजन होना चाहिए, ताकि मुल्क एक तरक्की की राह पे गामजन कर हो सके, और एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो भी ज़रा अपना इजहार राय बदले। बस बस बस, वहाँ पर बिजनेस है, डेमोक्रेसी है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सेव है, तो हम दुश्मनी से बाहर निकल कर उसको अपना एज अ दोस्त, एज अ ट्रेडिंग पार्टनर क्यों नहीं डील कर लेते। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम इंडिया को अपना हरीफ समझ रहे, ये हम गलत फहमी में, इंडिया हमें दुश्मनी समझ रहा, इंडिया दुश्मनी समझ, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मेरा काबिल ही नहीं कि मैं उसे दुश्मनी कर सकूं। ये बड़ी दफा उन्होंने क्या ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कर रहे और बड़ी फखर के साथ ये बात कर रहे। हम नहीं, इस चीज़ से निकलना होता है, 21वीं सदी में ये दुश्मनी दोस्ती से हमें निकलना होता है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का सबसे डेंजर इंटरेस्ट होता है इकोनॉमी वाइज, जितना आप इकोनॉमिक वाइज आप स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपको दोस्ती होगी। इस वक्त जो इंडिया का जो मार्केट है इकोनॉमिक वाइज वो इमर्जिंग मार्केट है, इसलिए वहाँ पर गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज वो इंटरेस्टेड है कि मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दूँ। उसके मेन चीज़ कुछ वजूहत ये है कि वहाँ पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर वहाँ के जो लोग है वो उस मुल्क के साथ मुखलिस है। मेन चीज़ है आपके मुल्क नेशनलिज्म है ना वहाँ पे, मेन चीज़ है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म्स के लिए। बदकिस्मती से हमारे तो यहाँ पर 3 साल 2.5 साल की हुकूमत बनती है फिर गिराया जाता है, तक इलेक्शन ही नहीं फेयर हुए तो हुकूमतें कहाँ से, इस वजह से ना। और मेन चीज़ है कि एक चीज़ ये कि पाकिस्तान में फेडरेशन भी कमज़ोर है, फेडरेशन मीन्स आपके सूबों के दरमियान उस तरह के
कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है बड़े मसाइल होते हैं। अब टैक्स का निज़ाम नहीं है, जो अभी करंट बजट पेश हुआ देखिए गरीब के लिए। देखिए ये तो बात है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मजबूत है। अब इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ये केरल बड़ा दावे कर रहा था केरल मॉडल का डेवलपमेंट सब फ्री की फ्रीबीज बांट के ये करके वो करके उन्होंने चौपट कर लिया, बड़ा ये करने की कोशिश की कि जी हमने बड़ा डेवलपमेंट काम किया, लेकिन क्या हुआ, आप कंगाली के कगार पर पहुंच गए। फिर आपने सेंटर से गुहार लगाई कि भैया कुछ पैसे दे दो। अब सोचिए अगर फेडरल स्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं होता, सेंटर ने 21,000 करोड़ रुपए केरल को दिए हैं बचाने के लिए डिफॉल्ट से, लोगों को भी समझना पड़ेगा। और कहने को केरल 90% प्लस एजुकेटेड स्टेट है, तो जब वहां पे ऐसी गलतियां होती हैं तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो अगर स्टेट और सेंटर का यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं होता तो सेंटर थोड़ा दाएं बाएं कर देता है, यो ये तो हमारे खिलाफ जाते ही करते हैं, इनको पैसे ही मत दो। लेकिन ये काम कभी नहीं होगा हमारे यहाँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि केरल है तो हमारा ही पार्टनर। ठीक है, मतभेद अलग चीज है, उनके विचार हमारे विचार नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उन्हें छोड़ देंगे या वो हमारा पार्ट नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम है, हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रॉब्लम को दूर करें। हाँ, उसके लिए कुछ सख्ती लाई जाए कि भाई आप जिन गलतियों को आपने किया वो दोहराई ना जाए, इसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर कि अगर हमारा कोई स्टेट प्रॉब्लम में है तो हम करते हैं, और जो भी कमजोर स्टेट्स हैं सेंटर से उसको मदद जाती है, बदले में सेंटर उससे टैक्स भी कलेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें। तो ये वाइस वर्सा है। 19,000 का बजट आपने पेश किया 19,000 अरब का, लेकिन उसमें 9,000 अरब का आपका खसारे में जा रहा है, बड़ी सोचने की बात है। और ये हमसे ही कलेक्ट हुआ ना, अभी गवर्नमेंट ने 380 अरब और भी टैक्स लगाने हैं, कोई किसने बर्दाश्त करना, हमने बर्दाश्त करना, हम तो मर जाएंगे। तो इससे आपका इन्फ्लेशन रेट और भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कोई गुड न्यूज़ नहीं है। नहीं, कोई गुड न्यूज़ किस तरह कह सकते हैं ना, आपका बजट मोर देन 50% खसारे में जा रहा होता है, तो उस खसारे को कवर करने के लिए उन्होंने और भी टैक्स इम्पोज करने, तो टैक्स चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो हम नहीं बियर करने होता, अशराफियों ने तो इन्जॉय करना होता। और ये और साथ साथ करीब करीब बॉर्डर है तो हमें पैसा भी ज़्यादा बचेगा। जी बिल्कुल, पैसा ज़्यादा बनेगा, इकॉनमी ऊपर जाएगी, मुल्क की नाम होगा, जब ट्रेड होगी तो किसान भी खुशहाल होंगे, बॉर्डर्स खुलेंगे। क्या लगता है कि तीसरा टेन्योर मोदी साहब ने जैसे ही ओथ लिया है तो वो इटली के लिए निकल गए G7 के लिए, फिर दुनिया में बड़ी बड़ी खबरें छपेंगी, इंडिया के नाम लगेंगे, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होंगे, आपको क्या लगता है ये जो तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत जो आई है इसके लिए क्या पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आएगी, आपको लगता है कि वो हमारी तरह बढ़ाएंगे? जी अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया हमारी तरफ दोस्ती का, अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहब, वज़ीर आला पंजाब, अगर वो देखें उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं तो उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर और अच्छा निज़ाम साबित होगा। और अगर ये इसी तरह दुश्मनियाँ और सियासी झगड़े चलते रहे तो वो तो हमसे कई ज़्यादा आगे तरक्की कर जाएंगे। ठीक है, आगे भी उनका बहुत अच्छा निज़ाम है, उनके किसान भी खुशहाल हैं। चलिए थोड़ी मोटा मोटी बातें हो गई। देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, हमारे देश में भी, और डेमोक्रेसी के जिस लेवल को हमने अचीव किया है इस लेवल पर पहुंचना इतना आसान नहीं था, बहुत बलिदानों के बाद हम यहाँ पहुंचे। हमेशा से हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, हिंसा हुई है, लोग मरे हैं, लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लाठियाँ खाई हैं, बहुत कुछ हुआ है, अभी भी होता है थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है तो लाठियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, सब कुछ होता है। एक ज़माना वो भी था जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब EVM से नहीं होता था, जब बैलेट बॉक्स में बैलेट से होता था। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि बैलेट बॉक्स में क्या होता है कि जो लोकल लोग वहाँ पे हैं वो अगर जुट जाएं तो वो तो बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, धनाधन छपा जाएंगे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो पहले ये बहुत होता था, अब EVM से लेके जो कुछ लोग हैं ना वो चाहते हैं दोबारा कि भैया वो बैलेट बॉक्स वाला आ जाए कि बंदूक दिखाएं और कब्जा कर लें, कोई बोलेगा नहीं, डर से जान से जाएगा, EVM में हो नहीं पाता वैसा। तो आपके यहाँ बेसिकली EVM नहीं लाने की वजह यही है कि वहाँ भी अभी चाहिए कि हमारी ही पावर रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे EVM में बदलाव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, आप कर ही नहीं पाओगे। बैलेट बॉक्स में तो इजी है, छाप के डाल दो। वहाँ नहीं। और धीरे धीरे इसके सिक्योरिटी फीचर्स और ज़्यादा मजबूत किए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा, EVM का बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। रही बात कि आपके यहाँ तारीफ क्यों होती है, तारीफ इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों ने जो नफरत बोई है उस नफरत का जो परिणाम आया है वो पाकिस्तान के लिए घातक साबित हुआ है।
और नफरत किसके लिए बोई आपने? हिंदुओं के लिए बोई, काफिरों के लिए बोई, भारत के लिए बोई। और आज भारत जो है वो कहीं और पहुंच चुका है। पहले जब जमाना अखबारों का था तो आप छुपा जाते थे, भारत की तरक्की आप बताते नहीं थे, भारत की अचीवमेंट्स आप बताते नहीं थे। आज जमाना हो गया इंटरनेट का, आज जमाना हो गया है हर हाथ में मौजूद है, वहां पे लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, पता कर, अरे भारत तो चांद पर पहुंच गया, अरे भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत का तो फॉरेस्ट रिजर्व इतना है, तो लोगों में जानकारी बढ़ने लगी, लोग जानकारी बढ़ने लगी, तो आपकी मजबूरी बन गई है करना, क्योंकि लोग सवाल पूछ देते हैं। दूसरी बात, अब इस चीज पर काबू कैसे पाया जाए? तो अभी शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा, अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने चाइना की तरह एक फायरवॉल सेटअप कर लिया चाइना की मदद से। अब वो फायरवॉल के जरिए, आपको तो पता है चाइना में फेसबुक बैन, यूट्यूब बैन, ये बैन, ट्विटर बैन, सब 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 बैन, सब कंट्रोल्ड मीडिया है वहां पर, सोशल मीडिया भी कंट्रोल्ड है। तो बधाई हो पाकिस्तान, आपके यहां भी अब कंट्रोल्ड सोशल मीडिया होने वाला है, भारत की कोई चीज अब उधर आएगी नहीं फिर से, तो सब ब्लॉक कर दिया जाएगा, भारत की कोई अचीवमेंट आप तक नहीं पहुंचने वाली है, भारत की कोई चीज नहीं पहुंचने वाली, हो सकता है हम लोगों का चैनल भी आप तक नहीं पहुंचेगा। खैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे में तो 0.1 पता नहीं 1% से भी नीचे है पाकिस्तानी जो देखते हैं, तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरी जो जनता है वो मेरे देश के लोग, मेरे जो व्यूअर है वो मेरे देश के लोग, लेकिन आपके जो व्यूअर है वो भी मेरे देश के लोग, मैक्सिमम फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। तो खबर दे दे रहा हूं, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, आपके बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन, जब वो चीज दिखनी ही बंद हो जाएगी बाहर, तो आप बाहर पाकिस्तान के अंदर दिखाते रहो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? गेम बड़ा है गुरु, गेम छोटा नहीं है, इंडियंस गेम छोटा नहीं करते, बड़ा गेम करते हैं, गेम कर दिया नाम ने, आपको मजबूर कर दिया आपकी सरकार को, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, और ऐसा कंट्रोल होगा, देखिए कंट्रोल नहीं भी करेंगे तब भी भारत का फायदा है, और कंट्रोल करेंगे तब भी भारत का फायदा है। एक कहावत हमारे यहाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी, भारत चाणक्य का देश है, चित भी अपनी करता है, पट भी अपनी करता है। मेरी पुरानी बातें याद करिए, संयम रखना सीखिए, संयम बड़ी जरूरी चीज है, पेशेंस जिसे कहते हैं, धीरे धीरे काम होता है हमारा, प्लानिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन प्लानिंग हमारी पूरी होती है ना, तब उसका असर जब दिखता है तो लगता है अरे ऐसे कैसे कर दिया भारतीयों ने, यही तो है फायदा हमारा। बाकी कमेंट करके आप बताएं आपका क्या कहना है, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।